स्टोरी का नाम था चालाक किसान और चार ठग। उसमें एक छोटे से गांव की कहानी थी और जिसमें कि एक ठग रहता था और चार ठग थे और एक किसान था चालाक किसान। वो ठग हमेशा गांव में चोरी करते थे और लोगों को परेशान करते थे, इस बेस पे कहानी थी। तो मैंने उसी को जोड़ते हुए बच्चों को इसलिए वो कहानी सुनाई और इसलिए मुझे अच्छी भी लगी क्योंकि उसमें जो चीज़ें दी गई थी वो ज़्यादातर बच्चों में होती है। बच्चों को भी एक दूसरे की चीज़ें उठाना पसंद होती है और बिना जो चीज़ उन्हें पसंद आती है वो उसे बिना बात के बिना पूछे उस बच्चे से जिसकी वो होती है उठा लेते हैं और फिर उसे अपनी बना लेते हैं, फिर वापस नहीं देते और ऐसा ज़्यादातर करते हैं। और फिर वो यही आदत बच्चों की धीरे धीरे चलते चलते जब वो बड़े होते हैं एज में आते हैं तो फिर वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। वो उसे ये नहीं सोचते कि ये चोरी है या कोई और चीज़ है, उन्हें पता नहीं होता कि इसको असल में चोरी कहते हैं। फिर वो उनकी आदत बन जाती है रोज़मर्रा की, उन्हें बिना पूछे लोगों की चीज़ें उठाना और उनकी चीज़ें ले लेना, ज़बरदस्ती इस्तेमाल करना, ये सारी आदतें पड़ जाती। तो मैंने ये इसी चीज़ को लेकर के मैंने कहा कि बच्चों के लिए लाइफ में एक प्रैक्टिकल होगा और एक छोटा सा वैसे ही खेल करके बच्चों को कहानी सुनाई थी तो बच्चों को पसंद भी आई थी। फिर उसी में मैंने अपने गांव का स्टोरी जोड़ी क्योंकि हम गुज्जर समाज से, हमारा गांव है, तो सारी स्ट्रक्चर मैंने वो गांव वाला किसान वाला उनको हटा करके अपने समाज के और अपने लोगों के ऊपर लाया ताकि बच्चों का, हमारे बच्चों का ज़्यादा समझ में आए और उन्हें उस चीज़ पर ध्यान जाए और वो सारी इन सारे गलत कामों से और इन पर इन्हें अभी से समझ में आए और आगे चल के ऐसी चीज़ें हरकतें ना करें। इसलिए मुझे ये स्टोरी ज़्यादा पसंद आई थी। स्टोरी बच्चों को अपने चारों तरफ बिठाया गया और मैंने क्या किया कि अपने पीछे कुछ टॉफियां ली और टॉफियां बिना गिनती किए मैंने बच्चों के हिसाब से, मैंने तो गिनती कर ली थी, कुछ एक्स्ट्रा रखी थी और जैसे कि 15 बच्चे थे, 15 दुनी 30, तो मैंने कम से कम 40 से 45 टॉफियां अपने पीठ के पीछे एक जगह पर रखी और सब बच्चों को कहा कि आप जाएँ और दो दो टॉफी हर एक बच्चा अपनी मर्जी से उठा के लाएगा, कलर उनका पसंद का हो सकता है काला नीला पीला जो टॉफी में दिए गए हैं। और फिर बच्चों ने ऐसे ही किया, मैं बैठा रहा, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा, बच्चे गए सभी ने वो जो है तो टॉफियाँ उठा के लाए। अब मुझे ये पता नहीं था कि किसने कितनी उठाई है करके। फिर मैंने बच्चों के साथ कहानी की, फिर जब बाद में जब मैंने बच्चों से शेयर किया कि बच्चों अब हम सब अपनी अपनी टॉफी गिनते हैं कि हमने कितनी कितनी उठाई है, किसने ज़्यादा उठाई है किसने कम, तो मिनिमम 3-4 बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने जितनी टॉफियाँ बताई गई थी उससे ज़्यादा उन्होंने उठाई। तो ये तो सिर्फ एक नॉर्मल टॉफी का मुद्दा था, ऐसे ही बच्चे और चीज़ों में भी करते हैं। उस चीज़ से मैंने बच्चों को फिर बताया कि बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें समझाया और जहाँ तक मुझे याद है कि शायद बच्चों को अभी भी अगर वो स्टोरी पूछी जाए तो उन्हें बहुत अच्छी लगी हो और उन्हें पसंद भी आई हो और अपने घर जाके भी सुनाई हो स्टोरी।